हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। अभी कुछ दिनों से जी इंटरटेनमेंट में काफी तेजी बनती हुई दिख रही है और ये नई नई सुर्खियां बटोर रहा है। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर जी इंटरटेनमेंट में इतनी तेजी क्यों बन रही है और क्या आने वाले दिनों में इसमें और भी तेजी बनी रहेगी या ये यहाँ से करेक्शन ले लेगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के शुरू में कि कोई भी कंपनी के जो शेयर भाव होते हैं उसके रिजल्ट से काफ़ी प्रभावित होते हैं, और जिस कंपनी का रिजल्ट सालों साल अच्छा आता रहता है उस कंपनी के शेयर भाव लगातार बढ़ते हुए पाए जाते हैं, और जिस कंपनी के रिजल्ट खराब रहते हैं वो उस कंपनी के शेयर भाव में गिरावट देखने को मिलती है। कभी कभी ये भी होता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी होती है, फंडामेंटल रूप से काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं, उसके बावजूद उस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। उसके कारण ये रहते हैं दोस्तों कि चूंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं और काफ़ी निवेशक उसको बाई करने में लगे हुए रहते हैं, तो वो समय से पहले जो उनका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है किसी भी कंपनी का, उसको वो सरपास करके काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर पहुँच जाते हैं, तब ऐसी कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कंसंट्रेट करेंगे कि आखिर जी इंटरटेनमेंट में जो तेजी बन रही है उसे क्या कारण है और आगे इसके शेयर भाव किस प्रकार के रह सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जी इंटरटेनमेंट के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं और यह तकरीबन 112 रुपए के लेवल से छलांग लगा करके अभी लगभग 200 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, और इस प्रकार से इसने काफ़ी कम समय में अपने निवेशकों को लगभग डबल पैसा बना करके दे दिया है। तो अब हम लोग दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें इतनी तेज उछाल क्यों देखने को मिल रहा है, जबकि अगर हम लोग इसके चार्ट को देखें तो ये लगभग 605 रुपये के हाई के आसपास ट्रेड करता था 2018 में, और 2018 से इसमें तेज गिरावट देखने को मिली और 600 से लेकर के 100 के स्तर पर आ गया। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स में क्या चेंजेज हुए हैं जिसकी वजह से इसमें 2018 से काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, और अब क्या चेंजेज हो रहे हैं जिसके चलते इसमें उछाल देखने को मिल रहा है, और ये उछाल कहाँ तक आगे के दिनों में जारी रह सकती है उसको भी हम लोग दोस्तों तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जी इंटरटेनमेंट का जो सेल्स है FY9 से लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये मार्च 2009 में 2177 करोड़ हुआ करता था, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के 8130 करोड़ का हो गया। तो इनके जो सेल्स हैं पिछले 10 सालों में लगभग 4 गुना ग्रोथ दिखा चुके हैं, और अगर सेम पीरियड में दोस्तों अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY9 में 512 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करती थी, जो कि मार्च 2020 में 526 करोड़ का रह गया। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर बीच में देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका नेट प्रॉफिट FY10 में 634 करोड़ था, फिर FY11 में 637 करोड़ था, और ये बढ़ता हुआ जो है FY17 में 2221 करोड़ का हो गया। उसके बाद 2017 से इसमें इसके नेट प्रॉफिट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और FY20 तक आते आते इनका जो प्रॉफिट है वो 526 करोड़ मात्र रह गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि FY70 से जी इंटरटेनमेंट में इनकी नेट प्रॉफिट में लगातार डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि अगर हम लोग इसके सेल्स को देखें तो इसमें जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और
इनके नेट प्रॉफिट में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट का जो ग्राफ है इसमें काफी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। एक तरफ सेल्स बढ़ रहा है और दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट लगातार घट रहा है। तो दोस्तों यही कारण है कि मार्च 2018 से जी इंटरटेनमेंट में काफी तेज गिरावट देखने को मिली थी और ये 600 के स्तर से 100 के स्तर पर आ गया था। अब चूंकि दोस्तों अब इस शेयर में काफी तेज उछाल देखने को मिल रहा है तो उसके भी कारण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जी इंटरटेनमेंट के क्वार्टरली रिजल्ट को और यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं दोस्तों कि मार्च 2020 क्वार्टर में ये 951 करोड़ का सेल्स की थी और इस सेम पीरियड में दोस्तों इनका जो नेट प्रॉफिट जो था वो निगेटिव रहा था, यानी कि ये मार्च क्वार्टर में 767 करोड़ का ये लॉस बुक की थी। और अगर हम लोग जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो जून क्वार्टर में ये 1312 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की है और 30 करोड़ का ये प्रॉफिट रिपोर्ट की है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में जी इंटरटेनमेंट लॉस से प्रॉफिट में आई है। तो इस प्रकार से दोस्तों चूंकि ये लॉस से प्रॉफिट में आई है तो इसमें काफी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब ये कंपनी को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये काफी अच्छा सेल्स रिपोर्ट करते आई है लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में लगातार गिरावट देखने को मिली है और ये निगेटिव में आ चुका था और 30 करोड़ का इन्होंने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो काफी कम है इसके सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से। तो दोस्तों अब जिस तरह से हम लोग इसमें तेजी देख रहे हैं वो ऑपरेटर ड्रिवन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इनका जो रिजल्ट है काफी शानदार नहीं रहा है। तो ये जो तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर हम छोटे निवेशक इसमें फंस सकते हैं। तो इस प्रकार के शेयर से हम छोटे निवेशकों को दूर ही रहना चाहिए क्योंकि इसके जो रैली देखने को मिल रही है वो काफी दिनों तक जारी नहीं रह सकती है। कभी न कभी इसमें उच्चतम स्तर से तेज बिकवाली आएगी और अगर हम छोटे निवेशक इसमें फंस जाएंगे तो बुरी तरह अपनी पूंजी गंवा बैठेंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें और मैं आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां लेकर के आता रहता हूँ और उम्मीद है कि दोस्तों आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।